हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको ब्रदर DCP L2541DW प्रिंटर में लाइट प्रिंट आ रहा है तो उसे कैसे सॉल्व करें, तो आज इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं आपको कॉपी दिखाया था, एक तो ये मैंने करी है, तो आपको लाइव कॉपी दिखाया था कैसा मैंने डाल रखा है इसके अंदर कॉपी में। ये लाइट आ रही है, सर आप देख सकते हैं कॉपी आ रही लाइट एक साइड से। इसका दो चीज़ होती है, अगर आपका टूनर से प्रॉब्लम है तो टूनर भी होता है, अगर आपका इसमें लेंस होता है एक जो उसमें प्रिंट करता है आपके ड्रम के जब लाइट भेजता है उससे प्रॉब्लम होती है, उसमें डस्ट आती है। दोनों में ही डस्ट आती है, टूनर में भी आती है, ब्लेड में और लेज़र में। तो पहले तो इसका मैम टूनर करेंगे, टूनर से नहीं होता फिर लेज़र करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको टूनर खोलने के लिए आपको इसका ये पार्ट खोलना है, कवर खोल दिया आपने, इसका टूनर आपको बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल दिया, सब लोग बोले आपने ठीक है, इंटर वो कर देना आपको ऑफ। अब इसको आपने निकाल देना है, अब आपको टूनर निकाल देना है इसका। ठीक है, ग्रीन वाले का इसका लीवर करके मैंने प्रेस करा, ये निकल गया इसका टूनर। ये है, हमने ड्रम को रख दिया प्रिंटर के ऊपर ताकि इसमें कोई स्क्रैच वेग ना आए। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये टूनर है इसका जो ब्लेड होता है ब्लेड, इसमें डस्ट आ जाती है तो इसको क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो क्लीन करने के लिए आपको ये स्क्रू नहीं खोलना है, इसके आपको सीधा ये दो स्क्रू खोल देना है इसके, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसका हम खोलकर आपको दिखाता हूँ। इसे आपको क्लीन कर लेना अच्छे से सॉफ्ट कपड़े से। इसे अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। वापसी इसके अंदर प्रिंटर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर भी इसकी कॉपी लाइट आई है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब यही है, इसके अंदर लेंस का प्रॉब्लम है। जब हम कॉपी को डार्क करके देख लेते हैं,
अब जाकर थोड़ा बेस्ट हुआ है पहले के मुकाबले।